आज के इस क्लास में एक बार फिर से तुम सबका स्वागत। आज हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि ये तुम स्कूल से पढ़ते आए हो। एक बार रिवीजन के लिए हम लोग फिर से इस टॉपिक को देखेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तुम अगर इस फिगर को देखो, इस चित्र को अगर देखो, इसमें क्या है देखो, एक बीकर बना हुआ है, ये एक बीकर, और इस बीकर में यहाँ पर एक नली टाइप का ये तुमको दिख रहा होगा, जिसमें एक पैसेज बना हुआ है, जहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस 180 है। इस नली में एक तार लगी हुई है जो प्लेटिनम का वायर होता है, और अगर यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये तुमको प्लेटिनम का एक प्लेट दिखेगा। यहाँ पर इस प्लेटिनम प्लेट पर यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आई रहती है, वहां पर एड्जॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। इस बीकर में तुमको दिख रहा होगा कि एक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड कोई एसिड सोल्यूशन रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन रहता है, और बस ये हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। एक प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम का प्लेट है, उस पर हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस जाकर के अधिशोषित हो गई है। इस पूरे सिस्टम को एक बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड के विलयन में डुबा दिया गया है और हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। अब प्रश्न ये है कि हम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैसे करते हैं। तो उसके उपयोग के लिए देखो, यहाँ पर क्या है कि ये जो तुमको दिख रहा होगा, ये लिखा है सॉल्ट ब्रिज टू अदर हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज टू अदर हाफ सेल। दरअसल तुम जानते हो कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कोई भी एक इलेक्ट्रोड अगर है तो वो हाफ सेल रहता है। अपने आप में उसका कोई इम्पोर्टेंस तब तक नहीं है जब तक कि हम इसको एक दूसरे हाफ सेल से न जोड़ दें। जब दूसरा हाफ सेल हम लोग जोड़ देते हैं तो ये पूरा मिला करके एक सेल बन जाता है, और तब हम लोग फिर उस सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल को ज्ञात करते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन गैस, सॉरी, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो कि दरअसल मैं तुमको एक चीज अभी पहले बता देता हूँ, ये तीसरा स्लाइड में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो हम सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पहले फर्क को देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में फर्क ये है, ये जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो यहाँ प्रवाहित हो रही है यहाँ अधिशोषित होने के लिए, इसका कोई, अगर हम लोग प्रेशर को डिनोट ना करें, प्रेशर को फिक्स ना रखें, यहाँ पर जो एसिड का विलयन है उसकी सांद्रता को फिक्स ना करें, किसी भी सांद्रता के विलयन को ले लें, कितने भी प्रेशर पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को ले लें, अगर हम लोग कोई कंडीशन फिक्स नहीं करते हैं तब वो सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पर ऐसे सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बहुत उपयोगिता नहीं है, तो इसको उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना बहुत आसान है, ये ऐसा ही रहता है, बस फर्क क्या रहता है कि हम तीन कंडीशन का पालन करते हैं। एक कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अधिशोषित होने जा रही है वो 1 atm माने एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 atmospheric प्रेशर पर वो गैस जाएगी, ये फिक्स्ड कर दिया गया। दूसरा कंडीशन क्या फिक्स्ड कर दिया गया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग लेंगे उसकी सांद्रता कितनी होगी, 1 molar, यहाँ देखो लिखा है 1.0 m, माने 1 molar सांद्रता का ये विलयन रहेगा हाइड्रोजन आयन के रिश्ते। और तीसरा एक कंडीशन रहता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है हमारा उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 degree
सेल्सियस या 273 जोड़ दोगे तो 298 केल्विन। तो अगर ये तीन कंडीशन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूरा करेगा तब हम लोग उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यही चीज तीसरे स्लाइड में तुम्हारा है कि ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहला कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1। दूसरा कंडीशन क्या है, गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 180। एग्जैक्ट बात करेंगे तो 100 किलो पास्कल होता है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरह से जो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसको जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, दरअसल उसका इम्पोर्टेंस इसी बात में है कि इस इलेक्ट्रोड का, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम जीरो मान लेते हैं। हमने क्या किया है, इसको जीरो मान लिया है। ये जीरो होता नहीं है पर हमने उसको जीरो मान लिया, मान लिया कि वो जीरो। तो ये है बेसिक जानकारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब इसके जीरो को मान लेने से क्या फायदा होता है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, पर अभी हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कैसा होता है। पहले हम उसको देख लेते हैं और फिर उसका इम्पोर्टेंस को देखें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है, देखो दूसरे स्लाइड में, कि ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को अगर लेगा, रिडक्शन के रूप में दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, 2s प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर H2 गैस। और इसके लिए हम लोग जो ईएमएफ होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है, उसको जानने के लिए हम लोग नर्स्ट का इक्वेशन को यूज करते हैं। देखो नर्स्ट का इक्वेशन को इस रूप में लिखा गया है, E बराबर E0 माइनस RT बाई 2F। 2 कहाँ से आया, ये 2 आया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है। यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे तो N लिखा रहता है, स्मॉल n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। यहाँ पर क्योंकि n का मान 2 है तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, लॉग PH2। मतलब ये तो हाइड्रोजन गैस है ना, इसकी सांद्रता को यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के रूप में लिया गया है, प्रेशर के रूप में लिया गया है, तो हाइड्रोजन का प्रेशर। और फिर ये हाइड्रोजन आयन है, देखो इतना बटे इतना, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ पर एक्टिविटी के रूप में लिया गया है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि PH2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर एंड AH+ इज द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर होने वाले रिएक्शन को ऐसे करके दर्शाते हैं, और उसके लिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इस नर्स्ट इक्वेशन का मदद लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दरअसल उपयोग क्या है, यूज क्या है, या उसके पहले स्लाइड दिखा रहा है कि हम देखेंगे कि चॉइस ऑफ प्लेटिनम क्यों लेते हैं। प्लेटिनम का वायर भी हमने लिया है, प्लेटिनम का प्लेट भी लिया है, तो कहते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हम प्लेटिनम को चॉइस करते हैं। पहला कारण क्या है कि प्लेटिनम इनर्ट होता है, यह करोड नहीं करता है, तो एसिड में डालना है तो इसीलिए ऐसा मटेरियल लेते हैं जो करोड ना करे। दूसरा क्या है कि प्लेटिनम कैटलाइज करने का भी काम करता है, जो रिएक्शन होता है उसको कैटलाइज करने का काम करता है, तो रिएक्शन आसानी से और अच्छे से होता है। और प्लेटिनम का जो प्लेट है उसका जो सरफेस होता है उसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर देते हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रिएक्शन और अच्छा होता है। देखो लिखा है इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया, तो इनके कारण रिएक्शन आसानी से और मैक्सिमम जितना करंट मिल सकता है उतना मिलता है। यही कारण है हम लोग प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। अब यूज जो हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दरअसल उसका यूज कहाँ होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्योंकि हमने जीरो मान लिया है,
इसलिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जानने, यही इसका उपयोग है। जैसे उदाहरण के लिए जो डायग्राम तुम देख रहे हो, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया है। कैसे निकाला गया है कि देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जो यहाँ पर जो कर्सर चल रहा है, ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। एग्जैक्टली वैसा है जैसा पिछले स्लाइड्स में तुम देख चुके हो। ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों विलयन को कनेक्ट करता है, और इस बीकर में जिंक आयन का विलयन रखा हुआ है, जनरली जिंक सल्फेट हम लोग लेते हैं, और जिंक का ये रॉड है, देखो जिंक का रॉड है, जिंक स्ट्रिप लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जिंक सॉलिड जिंक के छड़ को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। यहाँ तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन है। जब हम लोग यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से उसको कनेक्ट कर देते हैं और दो वायर को लगा देते हैं और यहाँ पर एमीटर या गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं, खास करके वोल्ट मीटर को यहाँ पर लगाते हैं अगर वोल्टेज जानना है, तो फिर यहाँ पर सुई में डिफ्लेक्शन होता है, उसमें चेंज होता है उसकी स्थिति में। और इस जगह में क्या होता है, देखो कि तुम देखोगे क्या, ऑब्जर्व क्या करोगे कि थोड़ी देर तक अगर हम लोग ये रिएक्शन को कराएंगे ना, तो जिंक जो है वो घुलने लगेगा, जिंक का जो रॉड है वो पतला होते जाएगा, जिंक का रॉड घुल जाएगा। तो जिंक का रॉड घुल गया और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और उसके चलते यहाँ पर धारा मिलती है और यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, अच्छा रिएक्शन के पहले मैं ये बता दूं तुमको, यहाँ पर जो ये धारा बनती है और यहाँ पर जो वोल्टेज हमको प्राप्त होता है, वो वोल्टेज हालांकि ये प्राप्त होता है दोनों हाफ सेल के कारण, देखो एक हाफ सेल ये है दूसरा हाफ सेल ये है, दोनों मिल करके ही सेल बनाया है, दोनों के मिलने के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और ये फ्लो करता है और अंदर में आयन्स फ्लो करते हैं और सर्किट कम्प्लीट होता है और हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो दोनों के वोल्टेज के कारण यहाँ मशीन बताती है, लेकिन क्योंकि हमने इसको जीरो मान लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जीरो मान लिया है, इसलिए हम ऐसा ट्रीट करते हैं मानो कि जो डाटा हमको यहाँ से ये वोल्टमीटर से मिला है वो डाटा केवल इसके कारण है, केवल जिंक इलेक्ट्रोड के कारण है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कारण नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो हमने पहले से ही मान लिया है। तो जो डाटा मिलता है हम उसको इसको असाइन करते हैं और ये मानते हैं यह डाटा इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि अगर हमारा यह जिंक है, यहाँ डाटा पर आएगा तुम्हारा 0.76 वोल्ट, तो वो रहेगा इस पूरे सेल का, लेकिन हम कहेंगे कि ये जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है और इस जिंक इलेक्ट्रोड को भी स्टैंडर्ड रूप में लेते हैं तभी वो 0.76 वोल्ट होगा। स्टैंडर्ड का मतलब फिर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो विलयन है जिंक सल्फेट का, ये 1 मोलर होना चाहिए, ये जिंक रॉड हमारा प्योर होना चाहिए, और यहाँ तो गैस है नहीं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ जो डाटा हमको मिला वो जिंक के कारण है और जिंक का जो विभव है वो 0.76 वोल्ट। अब मैं तुमको इसका रिएक्शन की तरफ ले चलता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, तो अब हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। ये देखो रिएक्शन है, रिएक्शन में मैंने बताया था कि जिंक घुल जाता है, उसको कैसे लिखेंगे कि जिंक सॉलिड लिए थे रॉड के रूप में और वो जिंक आयन बन करके वो पानी में चला गया तो घुल गया और इस क्रम में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैदा हुए। तो अगर तुम रिएक्शन को इस तरह से देखोगे कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो हम लोग इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से जोड़ते हैं तो जिंक रॉड पर क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो नेट प्रोसेस क्या हो जाएगा कि जिंक जो सॉलिड है वो जिंक आयन बना करके दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और तुम ये भी पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, इसलिए यहाँ पर जिंक एनोड का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है
वो फ्लो करते हुए हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन आयंस उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो जुड़ना है वो रिडक्शन कहलाता है। सो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, और रिडक्शन जहां पर भी होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। तो इसलिए एक हो जाता है एनोड, दूसरा हो जाता है कैथोड, दोनों मिलकर के सेल बनाते हैं और उस सेल का ईएमएफ आता है 0.76 वोल्ट। यहाँ पर अगर तुम डाटा को देखोगे तो ये देखो इस डाटा को कैसा लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, दरअसल मशीन से माइनस प्लस कुछ नहीं पता चलता है, वहां तो 0.76 वोल्ट रहे। माइनस का क्या मतलब है, हम यहाँ पर माइनस हमने क्यों रिपोर्ट किया है? उसका कारण ये है कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जिंक इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो दरअसल एक्चुअली में जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हमको इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में निरूपित करना चाहिए। पर ये जो डाटा लिया गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में टेबुलेट किया जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी हम रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट करके टेबल फॉर्म में लाते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन के रूप में लिखेंगे तो प्लस 0.76 होगा, रिडक्शन के रूप में लिखेंगे तो वो माइनस 0.76 होगा। मतलब जो घटना जिस रूप में होती है उसी रूप में अगर हम लोग रिपोर्ट करें तो वो प्लस होगा। जैसे जिंक पर वास्तव में ऑक्सीडेशन होता है तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे तो वो प्लस होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना कह करके क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, देयरफॉर दैट इज नेगेटिव। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में ये सब बहुत काम आएगा। तो ये था तुम्हारा कि जिंक का कैसे करते हैं। अब एक और फिगर ये दिया हुआ है, देखो कि कॉपर सेल का हम लोग पोटेंशियल को कैसे करके डिटरमिन करते हैं। कॉपर में तुम देखो कि ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड को जब हम लोग इसमें जोड़े हैं तब तुम देखो कि ये क्या चीज हुआ है। रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन दिख रहा है, देखो ये रिएक्शन दिख रहा है कॉपर पर। कॉपर में क्या होता है, उल्टा रिएक्शन होता है। जो विलयन के कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, रिडक्शन होता है और कॉपर सॉलिड बनता है। मतलब कॉपर का रॉड को तुम देखोगे तो वो मोटा हो गया रहेगा, क्योंकि विलयन से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लेता है और कॉपर सॉलिड बनाता है। क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा काम करेगा, कैथोड। और वहां पर इस सेल में हाइड्रोजन उल्टा काम करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन आयन के रूप में कन्वर्ट होता है और दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको एनोड बोलेंगे और वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमको टोटल सेल रिएक्शन मिलेगा। और इस सेल का जो टोटल ईएमएफ होता है वो हालांकि दोनों के लिए होता है, लेकिन मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ईएमएफ को जीरो मान लेते हैं, इसलिए जो ईएमएफ हमारा वोल्टमीटर बताता है वो उसको हम कॉपर को ही असाइन कर देते हैं और वो आता है 0.34 वोल्ट। यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब क्या है कि कॉपर पर यहाँ रिडक्शन हो रहा है और हम रिपोर्ट भी रिडक्शन पोटेंशियल कर रहे हैं, जो हो रहा है वही रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस को लिख रहे हैं। अगर तुम दोनों डायग्राम को देखोगे तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ ये ऐसे करके बहता हुआ दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर दिखाया गया है, ऐसे इसको याद रखना। और इसके विपरीत, और तुम वोल्ट मीटर से भी देख सकते हो कि अगर इसको बीच वाले को हमने जीरो स्केलिंग कर दिया है, ये दाहिने तरफ है मतलब पॉजिटिव, ये कॉपर में ये पॉजिटिव आ गया और जिंक में वो नेगेटिव होगा। पर ये से ज्यादा अच्छा ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिस इलेक्ट्रोड पर अगर रिडक्शन होगा तो वो प्लस, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो माइनस होता है। तो यहाँ पर तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर दिखाया है, और मैं तुमको इसके पहले का फिगर दिखाता हूँ।
इसके पहले का फिगर में तुम देखो कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करके फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर ये देखो कि माइनस। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स को जोड़ जोड़ करके ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका वोल्टेज को निकालते हैं, और फिर उन सारे वैल्यूज को एक जगह टेबलेट कर देते हैं, और उसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सीरीज होता है इस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका बहुत सारा उपयोग है, और उसके उपयोग को हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देख रहे हैं। और एक मैं नेट से ये लिया हूँ, देखो एक अच्छा एक स्लाइड है, इसमें तीन मिलते जुलते शब्दों को क्लियर किया गया है। एक है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस थ्री में से लिया गया है, उसी को मैं लिख दिया हूँ, वहीं से कॉपी कर दिया हूँ, तुम उसको और अच्छे से देख लेना। ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन तीनों में क्या फर्क, तो बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि अगर हम लोग अपने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को वन नॉर्मल रखेंगे, और हाइड्रोजन के गैस के प्रेशर को अगर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, तब ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे, अगर कहता है वेलियन की सांद्रता को वन मोलर रखेंगे, देखो तो उधर क्या था वन नॉर्मल, यहाँ पर क्या है वन मोलर, और जो प्योर हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर को कितना लेंगे, 100 केपीए, 100 किलो पास्कल, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, तब ऐसे वेलियन के तब ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो EMF होता है वो दरअसल 4.44 होता है, लेकिन हम उसको कितने पर सेट मान लेते हैं, 0 पर, बिल्कुल लिखा हुआ सेट टू बी 0, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा। रेफरेंस होता है मतलब मानक, जिसकी तुलना में हम दूसरे का निकालते हैं। पर रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसमें यह है कि जो यहाँ पर देखो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में वो वन मोलर लिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसको बना पाना कठिन होता है। तो यहाँ पर कहता है कि रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो प्रोटॉन की सांद्रता है वो इकाई हो, ऐसी जरूरी नहीं है। अगर इन कंडीशंस को लोग फॉलो करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, ये तुम्हारी जानकारी के लिए था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आया होगा। ये रेफरेंस को तुम एक बार देख लेना, खास करके जो डायग्राम्स हैं वो रेफरेंस वन से लिया गया है, और कुछ चीज़ें विकिपीडिया की भी हैं, और जो लास्ट के जो स्लाइड्स हैं दो तो, जिसमें नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच रेफरेंस को बताया गया है, वो रेफरेंस तीन का से लिया गया है, और एक बार सबको कंसल्ट कर लेना, ये अच्छा है।